ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 8 जो कि है Mathematical Induction and Binomial Theorem. इसमें हम आज इस टॉपिक को डिस्कवर करेंगे वो है Some Characteristics of the Binomial Expansion. यानि जब हम Binomial Expansion करते हैं तो उसमें हमारे पास different cases arise होते हैं. ठीक है, अब उनको हम MCQs के जरिए जो है वो समझते हैं और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं. जी स्टूडेंट्स, आप ये MCQ देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है जी 3C3 प्लस सेकंड टर्म है 4C3 फिर थर्ड टर्म है इसमें हमारे पास जो कि 5C3. ठीक है, इसी तरह प्लस ऑन और इसकी जो मतलब लास्ट टर्म है वो है K+2C3. अब ये सब किसके इक्वल होगा, यानी यहाँ पर अगर हम KC3 को एक्सपेंड करें या इस सारे नंबर्स को ऐड करके एक्सपेंड करें, क्योंकि इसमें अब K जो है K की खास वैल्यू मतलब फर्ज करें अगर K 3 रखता हूँ तो क्या इस जो सम का आंसर और इस यहाँ पर K की वैल्यू जो 3C3 है उसकी वैल्यू क्या एक जैसी आएगी, या फिर अगर यहाँ पर मैं K की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 4C3 की और यहाँ पर अगर k की वैल्यू में 1 रखता हूं तो इसका मतलब होगा कि ये 3C3 है, इसकी वैल्यू क्या सेम आएगी, या फिर इसी तरीके से यहां पर अगर k की वैल्यू 1 रखें तो ये 4C4 बनता है और यहां पर अगर 1 रखें तो ये 3C3 बनता है, तो क्या ये सेम आएगा आंसर. इस तरीके से हमने इन बातों को देखना होगा. यानी यहां पर अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं तो ये तो 3C4 होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं. इसी ऑप्शन डी तो हम इसको तो निकाल ही देंगे. ठीक है, और इस तरह यहाँ से भी अगर हम k की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये तो 1C3 है, ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे, दो ऑप्शन रह जाएंगे. यानी यहाँ पे हम रिवर्स इंजीनियरिंग के जो टेक्निक है उसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिर इसमें अगर k की वैल्यू 1 रखी जाए, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ये 4C3 आएगा बी से, 4C3 को अगर हम एक्सपेंड करें तो इसका आंसर बनता है 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और 4 डिफरेंस 1 1 फैक्टोरियल. अब आप 4 फैक्टोरियल को अगर आप 1 करते हैं तो आप इसे 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जबकि ये 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 1 होता जो कि 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होकर 3 फैक्टोरियल आ गया. तो हमारा आंसर इस केस में 4 आता है, जबकि ऊपर जो सम है अगर k की वैल्यू 1 रखी जाए तो ये k यानी 1 + 1 3 3C3 बनेगा जो कि इसकी फर्स्ट टर्म है. ठीक है, इन्हीं और आगे टर्म्स नहीं आएंगी क्योंकि k की वैल्यू हमने जब उसको 5 से ग्रेटर की बात करते हुए सम लेके आते हैं और लास्ट में हमने कहा था k+2 होगा. अब इसमें अगर आप देखें तो 3C3 की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है, जो 1 और 4 बराबर नहीं है, इसी ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता. अब एक ही ऑप्शन बचा है सी, जो कि काफी परसेंट चांस है कि यही हो सकता है, लेकिन अब इसे कंफर्म कर लेते हैं. अगर k इक्वल टू 1 रखा जाए तो ये देखिए ये 1 + 3 4C4 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल और 4 डिफरेंस 1 0 फैक्टोरियल आता है, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 × 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और आंसर हमारा 1 ही आ रहा है. इसका मतलब कि दोनों मतलब जो इस सम का और इसका आंसर एक जैसा आता है, k की वैल्यू को ये ओबे कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा और हम सिर्फ इसी को मार्क करेंगे. यहाँ पे ने जो मैंने क्रॉस लगाए सिर्फ आपको बताने के लिए, आप एग्जाम के लिहाज से इस तरीके से नहीं करेंगे, आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा आप सिर्फ उसे ही मार्क करेंगे और वो हमारा यहाँ पर जवाब है. नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं जी. इसकी स्टेटमेंट ये है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + z पावर 50 + x - z पावर 50 r. अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि अगर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंट जो भी होगी उसकी टर्म्स की तादाद जो है वो उससे एक ज़्यादा होती है. इसका मतलब कि इस वाले पहले वाले एक्सप्रेशन में जो एक्सपेंशन के बाद टर्म्स आएंगी वो 51 होंगी और इसमें भी 51, तो टोटल टर्म्स बन गई 51 और 51 102. लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हम जैसे a + b² का एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, तो इसमें a² आता है प्लस 2ab आता है और
प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। लेकिन जब हम ए डिफरेंस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर आता है, माइनस टू ए बी आता है, एक टर्म माइनस टू ए बी आती है और एक टर्म जो है वो प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो एडिशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है, ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाती हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं विद नेगेटिव एंड अपोजिट, आप यू समझ लें अपोजिट जो इनके साइंस हैं, ठीक है। जबकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये तो ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर में आएंगी टर्म्स की तादाद वो तो टू रह जाएगी, ठीक है। जाहिर छः हैं लेकिन कितनी रह जाएंगी, टू रह जाएंगी, ठीक है। इसी तरह जब हम एक्सपेंशन करेंगे 50 की, ठीक है, तो उसमें हमारे पास मतलब जो आप ये समझ लें कि अगर 51 टर्म्स बन रही हैं इस एक एक्सपेंशन की, ठीक है, तो उसमें 26 जो टर्म्स होंगी वो मतलब लाइक टर्म्स होंगी, 26 लाइक टर्म्स होंगी, और 25 जो टर्म्स हैं वो ऐसी होंगी जो कि कैंसल हो जाएंगी, लाइक होंगी लेकिन कैंसल हो जाएंगी, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में भी इसी तरह से 26 टर्म आएंगी और 25 जो के नेगेटिव साइन के साथ टर्म्स आएंगी इवन के केस में, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगी। पीछे 26 जो टर्म्स इसकी और 26 इसकी बचेंगी, वो चूंकि लाइक है ऐड होकर 26 टर्म्स ही बना जाएंगी और उनके कोफिशियंट्स मतलब 2-2 हो जाएंगे, तो इस लिहाज से या डबल हो जाएंगे जो भी होंगे कोफिशियंट वो डबल हो जाएंगे। तो उस लिहाज से फिर हमारे पास जो ऑप्शन सी है कि जो रिजल्ट में हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं वो कितने होंगे जी, वो 26 होंगे और वही यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट ये है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, जिसकी फर्स्ट टर्म है जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सेकेंड टर्म है एन ओवर एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर 10 है इज 405, देन एन की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी इनमें से, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास मतलब यहाँ पर ये बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास जनरल टर्म फार्मूला है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम उसे रिवाइज कर लेते हैं क्विकली कि टी आर प्लस वन ये इक्वल टू होता है एन सी आर, ठीक है, और ए पावर एन माइनस आर होती है, जबकि बी पावर क्या होती है हमारे पास आर होती है, ठीक है। अब चूंकि हमें पहले तो यही नहीं पता कि इसमें वो कौन सी टर्म है जिसमें कि एक्स की पावर जो है वो जीरो आती है, सबसे पहले तो हमें वो फाइंड करना होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब होता है कि उसमें एक्स ना हो, ठीक है, इसका मतलब एक्स की पावर जीरो हो, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर ये टेक्निक यूज कर रहा हूँ। अब मुझे बताया कि इस क्वेश्चन में जो एन है हमारा वो 10 है, मतलब इस फार्मूला का जो एन, ठीक है, ये इस एन की बात नहीं कर रहे, फार्मूला में भी एक एन यूज होता है जो पावर होती है, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने 10 लिख दिया है और आर जो है वो हमें टर्म नंबर बताने में हमारी मदद करेगा। ए फर्स्ट टर्म है, एक्स की पावर अंडर रूट को 1/2 कह सकते हैं, ठीक है, 1/2 और एन कितना 10 माइनस आर ये आ जाएगा, जबकि बी जो हमारे पास है उसमें माइनस एन है, ठीक है, उसमें माइनस एन ओवर एक्स स्क्वायर है, तो मैंने माइनस एन की पावर भी आर कर लेता हूँ और जो 1 ओवर एक्स स्क्वायर है जिसको मैं एक्स पावर माइनस टू कह सकता हूँ उसकी पावर भी आर कह दूंगा, ठीक है। अब इसमें जो एक्स वाली एक्स की जितनी पावर बनती है यानी ये एक और ये दोनों फैक्टर आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स की पावर 1/2 10 से मल्टीप्लाई होगी 5 माइनस एक्स ओवर 2 और माइनस 2 आर, ये दोनों ऐड हो जाएंगी माइनस 2 आर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ये कितनी बनती है, यहाँ पर LCM 2 आ जाएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 माइनस यहाँ पर R है ये हमारे पास, तो ये माइनस R और माइनस 2 2 जा 4 R, तो ये बना हमारे पास 10 माइनस 5 R, ठीक है, ये इसे मैं करेक्ट भी कर लेता हूँ कि ये हमारे पास R है, ठीक है जी, तो ये यहाँ पे 10 माइनस 5 R आ गया। अब हमें चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए टर्म, तो इसका मतलब कि ये जीरो के इक्वल होना चाहिए एक्सपोनेंट को, और अगर हम इसे सॉल्व कर लें
अपना रफ वर्क कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे हम, ये 2 इधर आकर 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, 10 माइनस 5 आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 5 आर को अगर दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए तो 5 आर इज इक्वल टू 10 और आर इज इक्वल टू आ जाएगा 10 ओवर 5 2 के इक्वल। इसका मतलब कि अब हम ये हमें पता चल गया कि थर्ड टर्म है वो, ठीक है, थर्ड टर्म है जिस जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, चूंकि आर की वैल्यू इसमें 2 आ चुकी है। इसका मतलब यहाँ पर हम 10 सी 2, ठीक है, इसको इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, और एक्स एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि ये तो एक्स पावर 0 होगी माइनस एन, और इसकी पावर लिखेंगे 2, जो कि माइनस एन का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव एन स्क्वायर, तो मैं इसे एन स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास कोफिशियंट है वो कितना है, 405 है, ये लिखा हुआ जी, कि इसका जो एक्सपेंशन करने के बाद जो कोफिशियंट आता है वो कितना आता है, 405 आता है, ठीक है जी। अब हमने इस बात को बेस बनाते हुए आर एक्स मतलब टी थ्री की जगह 405 पुट किया, ठीक है, 10 सी 2 चूँकि एक्स पावर 01 होती इसलिए उसको मैंने लिखा, एन स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम इस जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो देखें इसमें 10 सी 2 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें 10 फैक्टोरियल आएगा ओवर 2 फैक्टोरियल, और 10 का 2 से डिफरेंस कितना होता है 8 फैक्टोरियल, ये आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे 405, ठीक है जी। अब 10 फैक्टोरियल को हम यूँ लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6, तो इसको मैं 8 फैक्टोरियल ही लिख सकता हूँ, ठीक है, जबकि 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 8 फैक्टोरियल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, और ये इक्वल है 405। तो देखिए इसमें अब 8 फैक्टोरियल को हम 8 फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 टाइम 10 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 एन स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 405 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 81, ठीक है, जबकि ये लिखा आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अब देखिए 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और 9 1 टाइम 9 9 9 टाइम 81, तो एन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9 के इक्वल, तो इसका मतलब n जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 3 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से फिर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा, और इसी को हम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट इस तरह से है कि द कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4, ये क्या होगा। देखिए अगर हम इस पे बायनोमियल जो है वो थ्योरम लगाएं, ठीक है, और इसे एक्सपेंड करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ सकता है। चलिए जी इसको हम देख लेते हैं। देखें हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम बायनोमियल चले थ्योरम लगा लेते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे एन सी जीरो, यानी इसमें एन फोर है, 4c0, ठीक है, 1 पावर 4, वो तो हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे 4c1, 1 पावर 1 कम कर लेंगे 3, और x पावर 1 बढ़ा लेंगे, पहले 0 थी अब x पावर 1 आ जाएगी। फिर इसी तरह 4c2 और 1 पावर आ जाएगी हमारे पास 2, और x पावर भी आ जाएगी 2, ठीक है। हमें x पावर 5 वाला चाहिए, इसका मतलब इसके बाद वाली टर्म जो आ रही है उसमें हम लिखेंगे 4c3, 1 पावर 1 और x पावर 3, और लास्ट टर्म होगी हमारी 4c4, 1 पावर 0 और x पावर 4, ठीक है जी, इस तरीके से। अब देखें इसमें इस टर्म की हम बात नहीं करें, हमें सिर्फ ये टर्म चाहिए, जब इस नंबर को एक्स स्क्वायर को जब x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसकी पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल से 3 प्लस 2 5 हो जाएगी, और किसी केस में 5 नहीं बन रही इसलिए मैं उसको स्टडी नहीं कर रहा।
इसका मतलब कि ये जो हमारे पास 4C3 है, हमने सिर्फ इस कोफिशिएंट को देखना है कि ये क्या बनता है। 4C3 को अगर एक्सपेंड किया जाए तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल ओवर 4 का 3 से डिफरेंस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और 3 फैक्टोरियल ये आएगा। अब अगर हम 3 फैक्टोरियल को, बल्कि मैं इसको 3 करके लिख देता हूँ, यहाँ 3 फैक्टोरियल और यहाँ 1 फैक्टोरियल, अगर मैं इस 3 फैक्टोरियल को और 4 फैक्टोरियल को पहले एक्सपेंड करता हूँ तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल एज इट इज, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई वही नंबर दोबारा आता है। इसका मतलब 4 से जब 1, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आंसर आएगा, और 4 कोफिशियंट एक्स पावर 5 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि द सम ऑफ कोफिशियंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस बी पावर एन इज। देखिए, याद रखें कि हमारे पास जो भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी पावर, अगर मैं 2 की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसके जो कोफिशियंट्स आते हैं, जैसे कि पहले हम लिखते हैं 1 टाइम ए स्क्वायर, फिर प्लस 2 टाइम ए बी, और फिर प्लस 1 टाइम बी स्क्वायर। तो अगर इसके कोफिशियंट्स का सम देखें तो 1 प्लस 2 3 और प्लस 1 4 बनता है, यानी 2 की पावर 2। अगर हम ए प्लस बी की पावर 1 लें तो हमारे पास इसके कोफिशियंट आते हैं 1 टाइम ए प्लस 1 टाइम बी, यानी 2, जिसे मैं 2 की पावर 1 कह सकता हूँ। और जब मैं ए प्लस बी की पावर 0 लिखता हूँ तो मेरा आंसर आता है सिंपल 1। इसका मतलब इसको मैं 2 पावर 0 लिख सकता हूँ। इसका मतलब कि अगर क्यूब की बात की जाए, 4 की बात की जाए, तो जो भी कोफिशियंट होंगे वो 2 की पावर होगी जितनी एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर चूंकि n एक्सपोनेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि 2 की पावर n जो है वो इसके कोफिशियंट का सम बनेगा, जो कि बेशक फिर n हमारे पास बहुत बड़ा नंबर हो जाए, हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो फिर इसमें n की वैल्यू जितनी मर्जी लार्ज हो जाए, ठीक है, हमारे पास जो आंसर आएगा सम का वो 2 पावर n होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 8 माइनस 3x होल पावर 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब देखिए इसके लास्ट 3 टर्म का कोफिशियंट क्या होगा, उनका सम क्या होगा। अगर हम इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इसकी पावर जो एक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसमें हम लिखते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर अगर एन हो, ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं 1 प्लस एन टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, फिर प्लस एन टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बल्कि यूं लिखते हैं एन एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, फिर प्लस इसी तरह से इससे नेक्स्ट टर्म आएगी n n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल और इनटू x पावर 3 और प्लस सो ऑन। मतलब इसकी जो लास्ट टर्म है वो इसी तरह से चलती रहती है, 8 टर्म आती है लेकिन ये सो ऑन चलता रहता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब इसकी तो लास्ट टर्म का तो हमें पता ही नहीं कि लास्ट टर्म क्या है, ठीक है, और फिर उससे सेकंड लास्ट और फिर उस सेकंड लास्ट उससे पहले एक जो होगी टर्म, उनका तो हमें पता ही नहीं होगा कहाँ पर है और वो क्या है। इसलिए इसमें ना ऑप्शन ए आएगा, ना बी, ना सी, इसमें हम डी ऑप्शन कहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमिन, ठीक है जी। इस तरीके से ये इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो हम दे देंगे।